हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल वेट ट्रैप एनाटॉमी एंड टुडे इन द सीरीज ऑफ एनाटॉमी ऑफ बोवाइन वी आर गोइंग टू डिस्कस एनाटॉमी ऑफ रुमिनेंट स्टोमक रुमिनेंट स्टोमक इट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इन केस ऑफ रुमिनेंट बिकॉज इट कवर्स एटी परसेंट ऑफ द एबडोमिनल पार्ट अगर आप एबडोमन के अंदर देखें ऑक्यूपेशन तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जो हैं वह रूमन रेटिकुलम ओमेजम और अबोमेजम से कवर रहते हैं तो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनाटोमी ऑफ रूमिनन स्टोमक द रूमिनन स्टोमक कंसिस्ट ऑफ फोर कंपार्टमेंट रूमन रेटिकुलम ओमेजम विच रिप्रेजेंट्स फोर स्टोमक या इसको प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं बिकॉज लाइन विथ नॉन ग्लैंडोजन मुख्य इसमें कोई भी ग्लैंड प्रजेंट नहीं होती है जो फोर्थ कंपार्टमेंट है एबोमेजम लाइन विद ग्लैंडुलर मोजा यानी इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एबोमेजम के अंदर प्रेजेंट होती है इसलिए इसे ट्रू स्टोमक भी कहा जाता है नाउ कम टू द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ द रुमिनेंट स्टोमक दैट इज द रूमन सो रूमन इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ द रूमिन स्टोमक एंड इट इज द लार्जेस्ट चैम्बर एंड हैज रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन टू मूव फूड अराउंड फॉर डाइजेशन इसमें रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन चलते रहते हैं ताकि फूड जो है वह मूवमेंट uh, उसका मेंटेन रहता है एलिमिनेटेड गैसेज इसमें गैस प्रोडक्शन भी होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तो वो गैस को भी एलिमिनेट करता है ड्यू टू दिस कॉन्ट्रेक्शन एंड सेंड फूड पार्टिकल्स बैक टू द माउथ यानी रिगर्जिटेशन जो जिसे बोलते हैं हम रिमेस्टिकेशन के लिए ये फूड पार्टिकल को वापस माउथ में भी सेंड करता है इसके अलावा रोमन क्या करता है कि रोमन ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स थ्रू मैकेनिकल डाइजेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट माइक्रोब्स इसके जो वॉल है उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये माइक्रोब्स क्या करते हैं फरमेंटेशन uh, का, का काम करते हैं और इसका जो एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो कि मेन प्रोडक्ट है रुमेनेट डाइजेशन का और थोड़ा सा uh, इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो स्टोमक की जो कैपेसिटी है पहले स्टोमक की बात करते हैं हंड्रेड टू टू थर्टी लीटर उस के अंदर रूमन का जो पार्ट है वो एटी परसेंट है रेटिकुलम फाइव परसेंट है ओमेजम और एबोमेजम का सेवन टू एट परसेंट है इसमें मैं बता दूं कि जो ओमेजम का पार्ट एट परसेंट है और एबोमेजम का जो पार्ट है वो सेवन परसेंट है कई बार एग्जाम के अंदर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है अब रिलेशनशिप की बात करें तो जो न्यूबॉर्न काफ होगा उसमें एबोमेजम जो होगा वो लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है और इसके हम एज वाइज देखें तो जो न्यू बॉर्न होता है उसका जो एबोमेजम की जो साइज़ है वह रोमन और रेटिकुलम की साइज़ को जोड़ के डबल करोगे के बराबर होता है यानी कि जो एबोमेजम का जो पार्ट होगा जो एबोमज़म का जो पार्ट होगा वह रोमन और रेटिकुलम के आ, जोड़ के डबल के बराबर होगा अगर ये रोमन है और ये रेटिकुलम है तो इसकी एबोमेजम के साइज़ काफ़ी बड़ी होती है वहीं अगर जब वो दो महीने का हो जाएगा यानी कि द एज ऑफ एट वीक रोमन रेटिकुलम के साइज़ एबोमेजम के बराबर हो जाती है और बारह वीक पे यानी कि तीन महीने के ऊपर एबोमेजम जो है वो इतना छोटा रहता है कि रोमन रेटिकुलम का जो जोड़ है उसके आधे के बराबर होता है यानी रोमन और रेटिकुलम जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनकी साइज़ बढ़ती जाती है अब रूमन की पोजीशन रूमन की पोजीशन होती है एट द लेवल ऑफ एट रिप टू पेल्विक इनलेट काफ़ी बड़ा होता है पेल्विक इनलेट तक इसकी जो एक्सटेंट रहती है इस डायग्राम में अगर आप देखिए तो आप देखिए कि ये एक इसोफेगस की यहाँ ओपनिंग है और ये जो पूरा डोम शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये पूरा यहाँ तक का पार्ट ये पूरा रूमन है रोमन के ऊपर आगे हम पढ़ेंगे स्प्लिन प्रेजेंट होती है लेफ्ट साइड के ऊपर डोरसल पार्ट ऑफ ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द रूमन और ये जो ब्लैक कलर के आपको डिमार्केशन दिख रहे हैं ये ये ऊपर की तरफ ये सारे ग्रूज हैं इस ग्रूव से रूमन जो है वो डिफरेंट सैक में डिवाइडेड हो जाता है जैसे ऊपर वाला जो है वो डोरसल सेक है नीचे वाला कहलाएगा वेंट्रल सेक सिमिलरली पीछे ब्लैंड शेक है कॉडल डॉसल और ये ब्लैंड शेक है कॉडल वेंट्रल ये राइटिंग कलर का पार्ट है और ये अबोमेजम का पार्ट है क्योंकि ये अपने को लाइफ लेफ्ट साइड से देख रहे हैं अबोमेजम ओमेजम जो होगा वो आपको राइट साइड से दिखाई देगा तो यहां पोजिशन की भी बात करें तो रूमन का जो पोजिशन है वो एर्थ लिप्टू दैलविक इन इनलेट तक रहती है एनाटोमिकल डिस्क्रिप्शन की डिस्कस uh, कर लेते हैं देखिए रूमन को अगर हम एनाटॉमिकल डिस्क्राइब करें तो उसमें दो सरफेस और दो कर्वेचर होते हैं सरफेस कौन कौन से हैं पैरेटल या लेफ्ट सरफेस, विसरल या राइट सरफेस पैरेटल सरफेस जो होगा यानी लेफ्ट पार्ट वाला जो होगा वो किससे रिलेशन में है डायफ्राम, स्प्लिन और लेफ्ट एब्डोमिनल वॉल के रिलेशन में रहता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ रूमन विथ लेफ्ट फ्लैंक फैसिलिटेट्स अस्कल्टेसन पाल्पेशन प्रोकराइजेशन एंड सर्जिकल ऑपरेशन इसका मतलब यह है कि रोमन लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है एबडोमिनल वॉल तो हमारे क्लिनिशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है लेफ्ट फ्लैंक टू अप्रोच द रूमन अगर हमें अस्कल्टेशन करना है हमें रूमन की साउंड सुनाई सुननी है या पालपेट करके देखना है कि इसमें टोन प्रजेंट है या नहीं है एक मिनट के अंदर दो से तीन रूमन की मोटेलिटी नॉर्मली होती है लेकिन कई बार क्या होता है कि रूमन इम्पेक्शन के अंदर या ब्लॉड के अंदर रूमन का मूवमेंट बंद हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए पालपेट करने के लिए लेफ्ट फ्लैंक अप्रोच की जाती है ट्रोकराइजेशन के अंदर ट्रोकार कैनोला इंसर्ट की जाती है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द गैस तो उस वो भी लोकेशन जो है लेफ्ट फ्लैंक है और सर्जिकल ऑपरेशन हमें रूमन में अप्रोच करना है कई बार क्या होता है कि जो बवाइन होती है वो प्लास्टिक की थैलियाँ खा लेती है तो ऑपरेशन करना पड़ता है क्योंकि ये प्लास्टिक पचती नहीं है तो ऑपरेशन से निकालने के लिए भी यही लोकेशन हम अप्रोच करते हैं तो ये तो बात हो गई लेफ्ट सरफेस की नाउ राइट सरफेस या विसरल सरफेस। विसरल सरफेस रिलेशन में रहता है इंटेस्टाइन के लीवर के ओमेजम के और एबोमेजम के बोध एंड विसरल सरफेस करेक्टराइज बाई रूमिनल ग्रूव से आ,

कर्वेचर uh, है तो वो रूफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी रहेगा जबकि वेंट्रल कर्वेचर जो होगा वो एब्डोमिनल फ्लोर के ऊपर रहेगा यानी पूरा डॉर्सल और वेंट्रल पूरा एबडोम से कवर रहता है अब रूमिनल ग्रूव को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से रूमिनल uh, ग्रूव होते हैं सो रूमन इज डिवाइडेड एक्सटर्नली देखो जो बाहर की तरफ है वो ग्रूव है अगर हम इंटरनली बात करेंगे तो हो जाएंगे पिलर्स वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे सो रूमन इज डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू सेवरल पार्ट्स बाई नंबर ऑफ रूमिनल ग्रू विच आर अरेंज एज फेलो तो ये जो चार पांच ग्रू है उसकी वजह से एक्सटर्नली अगर हम देखें तो रूमन कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है पहला जो ग्रू है वह है रूमिनो रेटिकुलर ग्रू अब रोमिनो रेटिकुलर ग्रू नाम से पता चल रहा है कि ये किस किस के बीच में होगा ये रोमन और रेटिकुलम के बीच में होगा डायग्राम में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आप देखिए कि ये वाला जो पार्ट है ये रेटिकुलम का पार्ट है और पीछे वाला पार्ट रोमन का है तो रोमन और रेटिकुलम को जो डिवाइड कर रहा है वो रोमिनो रेटिकुलर ग्रू कहलाता है इन बिटवीन द रूमन और रेटिकुलम नेक्स्ट राइट एंड लेफ्ट लॉन्गिट्यूडल ग्रूव ऑन द विसरल एंड पैरेटल सरफेस विसरल का मतलब राइट पैरेटल सरफेस का मतलब था लेफ्ट रेस्पेक्टिवली अब डायग्राम में देखिए ये डायग्राम के अंदर लेफ्ट साइड शो हो रही है तो लेफ्ट साइड का जो लॉन्गिट्यूडल ग्रू है वो यहाँ पे डायग्राम के अंदर ये बता रहा है ब्लैक कलर के अंदर जो डॉटेड लाइन है ये इस ग्रूव की वजह से रूमन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है सेक और वेंट्रल से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है सिमिलरली राइट साइड की तरफ अगर हम देखेंगे तो वो उसमें भी सिमिलर इस तरह की ग्रूव नजर आएगा उसको हम बोलेंगे राइट लॉन्गिट्यूडल ग्रूव इसके अलावा दो ग्रूव और हैं एक है राइट एसेसरी ग्रूव और एक है लेफ्ट एसेसरी ग्रुप जो राइट वाला है वो एक्सटेंड करता है राइट लॉन्गिट्यूडल ग्रूव डेस्क्राइब ए डॉर्सली एंड रीजॉइंस लेफ्ट लॉन्गिटेल ग्रुप एंडक्लोजिंग इंसुला रूमिनिस इंसुला रेमिनिस बोलते हैं देखिए इसको मैं ऐसे समझाऊं आपको कि ये रूमन है और ये ग्रु आ रहा है राइट right साइड के अंदर क्या होगा कि एसेसरी ग्रू ऊपर की तरफ जाएगी ऊपर की तरफ जाके इसमें लिखा है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द राइट लॉन्गे तो ये राइट right लॉन्गी से एक्सटेंड कर रही है एंड एक कर डॉर्सली यानी ऊपर की तरफ जाके कर बनाया एंड रिजॉइन राइट और फिर वापस उसको रिजॉइन कर देती है तो ये जो गोला बना इसको बोलते हैं इंसुला रूमिनिस इसको इंसुलर रूमिनिस राइट साइड की तरफ होता है लेफ्ट एसेसरी ग्रू जो है वो एक स्मॉल होती है देखो लेफ्ट तो इसमें दिखाई दे रही है अगर मैं इस डायग्राम में आपको बताऊं लेफ्ट तो देखिए ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है ये जा रहा है ये जो पार्ट है ये लेफ्ट एसेसरी ग्रुप है स्मॉल एक्सटेंड्स डॉर्सली डॉर्सली एक्सटेंड कर रही है फ्रॉम फ्रॉम द लेफ्ट लॉन्गेट ग्रुप जो लेफ्ट लॉन्गिट्यूडियल ग्रुप से ऊपर की तरफ जो जा रहा है ना ये है लेफ्ट एसेसरी इसके अलावा कोरोनरी ग्रुप भी और है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ देखो कोरोनरी ग्रुप को भी अपन आइडेंटिफाई करेंगे आ, ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट ये इसको कहेंगे डोरसल कोरोनरी ग्रुप और जो नीचे की तरफ आ रहा है वो उसको हम कहेंगे वेंट्रल कोरोनरी ग्रुप डोरसल कोरोनरी ग्रू की वजह से ये पीछे वाला जो पार्ट बना उसको हम कहते हैं कॉडल ब्लाइंड सेक और चूंकि ऊपर की तरफ है डॉर्सली तो उसको बोलेंगे डॉर्सल कॉर्डल ब्लाइंड सेक सिमिलरली वेंट्रल कोरोनरी ग्रू की वजह से जो पीछे ब्लाइंड सेक बना इसको हम बोलेंगे वेंट्रल कॉर्डल ब्लाइंड सेक तो जो ब्लाइंड सेक का जो फॉर्मेशन है वह कॉरोनरी ग्रू की वजह से बनता है तो कौन कौन से ग्रू इसमें हमने डिस्कस कर लिए हमने देखा कि रूमिनो रेटिकुलर जो रूमन और रेटिकुलम के बीच के अंदर होता है इसके अलावा लॉन्गिट्यल ग्रूप जो कि राइट राइट और लेफ्ट साइड में होता है राइट साइड में के अंदर एक ऊपर की तरफ जाके एसेसरी ग्रू और होता है जो कि रुमिना इंसुला रुमिनिस बनाता है और लेफ्ट लॉन्गिटूडल ग्रू के ऊपर डॉर्सल जाता है वो लेफ्ट एसेसरी इसके अलावा पीछे की तरफ डॉर्सल और वेंट्रल कोरोनरी ग्रू तो ये सारे ग्रू एक्सटर्नली रुमन को डिफरेंट सेक में डिवाइड कर देते हैं इस पे एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट्स आया है रूमन के ग्रू के ऊपर इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि पार्ट्स ऑफ द रूमन अब यहां पार्ट्स की बात करेंगे तो पार्ट्स के अंदर हमको एक्सप्लेन करना है सेक को कौन कौन से सेक बने ग्रू की वजह से तो जो पहला बना डोर्सल और वेंट्रल रूमिनल सेक तो हमने पहले भी देखा था कि ये डोर्सल सेक है और ये वेंट्रल सेक है तो इट रिजल्ट फ्रॉम यूनियन ऑफ लॉन्गिटूडल एंड ट्रांसफर ग्रू जो ट्रांसफर ग्रुप होते हैं डॉर्सल और वेंट्रल उसकी वजह से रूमन को दोनों तरफ के जो लॉन्गेटिनल ग्रुप है राइट और लेफ्ट और आगे से जो घूम रहा है वो क्रेनल ट्रांसफर ग्रुप पीछे की तरफ कॉर्डल ट्रांसफर ग्रुप तो उसकी वजह से दो कंपार्टमेंट बन गए डॉर्सल सेक और वेंट्रल सेक अब दो टर्म और आ रही है नेक्स्ट की रूमिनल एट्रियम और रूमिनल रेसेस ये रिप्रेजेंट करते हैं क्रेनियल पार्ट ऑफ डोर्सल और वेंट्रल रूमिनल सैक इसका मतलब यह हुआ कि डोर्सल सैक का जो क्रेनियल पार्ट है डायग्राम के अंदर डोर्सल सैक तो ये रहा इसका क्रेनियल पार्ट ये होगा तो ये जो क्रेनियल पार्ट है उसको हम बोलेंगे रूमिनल एट्रियम सिमिलरली रूमिनल रेसिस जो होगा वह वेंट्रल से एंटीरियर पार्ट होगा यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये रेसिस कहलाएगा ये वेंट्रल का जो एंटीरियर पार्ट है वो कहलाता है रूमिनरिस और सेक का एंटीरियर पार्ट वो कहलाता है थर्ड वन और कोडोवेंट्रल ब्लाइंड सेक अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डोर्सल और वेंट्रल कोरोनरी ग्रुप जो होते हैं वो ब्लाइंड सेक डोर्सल और वेंट्रल ब्लाइंड सेक बनाते हैं तो द कोडोडोर्सल एंड कॉर्डोवेंट्रल ब्लाइंड सेक रिप्रजेंट्स कॉर्डल पार्ट ऑफ द डोरसल और वेंट्रल रूमिल सैक यानी डोर्सल और वेंट्रल का जो कॉडल पार्ट है ये ब्लाइंड सेक यहाँ पे नजर आ रहा है और ये किसके सेपरस से बनता है डोर्सल सेक जो है वो डोर्सल कॉरोनरी ग्रू से सेपरेट रहता है डोर्सल ब्लाइंड सेक को और जो वेंट्रल सैक जो है वह वेंट्रल कॉरिरी ग्रू से डिवाइडेड रहता है वेंट्रल सैक से अच्छा सर एक और इसमें एक पॉइंट है कि इसोफेगस की ओपनिंग का इसोफेगस एंटर्स द स्टोमक एट कार्डिया विच लाई एट जंक्शन ऑफ रूमन एंड रेटिकुलम जहां पे रूमन और रेटिकुलम का जंक्शन है वहां पे आके इसोफेगस खुलती है ये इसोफेगस की यहाँ ओपनिंग नजर आ रही है आपको डायग्राम में आप देखें कि इसोफेगस की ये ओपनिंग वहां नजर आ रही है जहां पे रेटिकुलम और रूमन का जंक्शन है इस पार्ट को बोलते हैं So what is At, अब रूमन के इंटरनल साइड की तरफ देखता है कि इंटरनली रूमन कैसा दिखाई देता है क्या क्या इसमें एनाटोमिकल करेक्टर्स होते हैं तो जब भी हम रूमन के इंटीरियर को देखेंगे तो हमें नजर आएंगे रूमिनल पिलर्स ये पिलर्स आप इस डायग्राम के अंदर वाइट कलर के ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये वाइट कलर का जो पार्ट नज़र आ रहा है ये पिलर है ये जो पार्ट पिलर है ये जो पार्ट पिलर है और ये पिलर क्यों बन जाते हैं क्योंकि बाहर की तरफ ग्रू थे आप कोई भी चीज जैसे बैलून के अंदर भी रूमन एक बैलून की तरह होता है तो बैलून को अगर आप बाहर से अंदर की तरफ धक्का देंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा वो अंदर बल्जिंग होगा तो जो बाहर ग्रू हैं वही अंदर की तरफ पिलर्स हैं तो एक्सटर्नली अगर हम बात करेंगे रूमन इज डिवाइडेड बाई ग्रू इंटरनली हम बात करेंगे तो रूमन इज डिवाइडेड बाई पिलर्स एक्चुअली पिलर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रू ऑफ एक्सटर्नल सरफेस। सो पिलर्स की बात करें कि एक्सेप्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ रूमिनो रेटिकुलर ग्रू अगर हम रूमिनो रेटिकुलर ग्रू को छोड़ दें ऑल ग्रूव आर रिप्रेजेंटेड

क्रेनियल पिलर और कॉडल पिलर तो देखिए रुबिनल एट्रेम इसमें कौन सा होगा ये डॉर्सल सेक है ये ये जो सेवन नंबर है ये डोर्सल सेक है और ये जो नाइन नंबर है ये वेंट्रल सेक है यानी ये पूरा ये डोर्सल सेक है और क्रेनियल पार्ट ऑफ द डोरसल सेक को एट्रेम कहते हैं यानी कि ये एट्रेम होगा हो गया ये इंटरनल ब्लाइंड सेक है डोरसल ये वेंट्रल ब्लाइंट सेक है और नीचे जो पार्ट है पूरा वो कहलाएगा वेंट्रल सेक और क्रेनल पार्ट ऑफ द वेंट्रल सेक जो है यहाँ पे ये टेन नंबर बता रहा है दैट इज रेसिस रोमिनल रेसिस तो एट्रियम और रेसिस के बीच वाला पिलर जो है ये जो पार्ट जो है ये पार्ट कहलाता है क्रेनल पिलर सिमिलरली ये जो डोर्सल ब्लैंड सेक और वेंट्रल ब्लैंड सेक का जो पार्ट ब्लैंड सेक और वेंट्रल सेक का जो पार्ट है को डिमार्केट करने वाला जो पिलर ये वाला जो पिलर है ये कहलाएगा वेंट्रल कॉर्डल पिलर्स तो डोर्सल पिलर और कॉर्डल पिलर टेस्ट को डिस्कस करते हैं क्रेनियल पिलर प्रोजेक्ट्स बिटवीन रूमिनल एट्रियम एंड रेसिस एट्रियम और रेसिस के बीच का पार्ट और कॉर्डल पिलर प्रोजेक्ट बिटवीन टू सैक ये जो पीछे दो सैक है उनके बीच का जो पार्ट है उसको कॉडल पिलर्स कहते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीरियर ऑफ रूमन और भी है इसमें पिलर के अलावा हमें पेपीली नजर आती है रूमन पेपीली नजर आती है सो द म्यूकोजा फॉर्म्स लार्ज क्रोनिकल एंड शेप रूमन पेपीली आपको ये देखो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं छोटे, छोटे 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 जैसे अपने बाथरूम में जब हम नहाने जाते हैं तो जो टॉवल होता है अपना तुर्कि टॉवल जिसके अंदर छोटे छोटे ऐसे सरफेस रहती है सिमिलर वे के अंदर रूमन के अंदर भी आप ये जो थर्ड वन डायग्राम अगर आप देखें ये जो डायग्राम थर्ड वन जो देखें ये इसके अंदर देखिए ये बिल्कुल जैसे टॉवल जैसा नजर आता है अपने को तो वो जो टॉवल जो छोटे छोटे पार्ट हैं दैट्स दैट इज रोमिनल पेपिली सो द मिकोज ऑफ फॉर्म लार्ज क्रॉनिकल एंड टेप रूमिनल पेपिली एंड दे आर वेल डेवलप इंड देखो कहाँ कहाँ पे वेल well डेवलप होंगे वेंट्रल सैक में होंगे ब्लाइंड सैक में मिलेंगे रूमिनल एट्री में मिलेंगे लेकिन जैसे जैसे पिलर्स की तरफ अपन जाते हैं तो इनकी जो पेपिली की जो नंबर है वो कम होते रहते हैं और पेपीली पे तो ये अपसेंट ही होते हैं इसलिए वो थोड़ा वाइट कलर का नजर आता है अब आप देखिए डायग्राम फर्स्ट के अंदर कि रूमिनल यहाँ पे पूरा भरा हुआ है लेकिन ये जो पिलर वाला पार्ट है यहाँ पे आपको पूरा ये डिवाइड ऑफ पेपिली पेपिली प्रेजेंट नहीं है ये पिलर पे अपसेंट रहता है और कहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको रूफ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि जो भी कंटेंट आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे रहता है तो नीचे की तरफ जो वेंट्रल सैक की तरफ ये ज्यादा रहता है द पेपली इंक्रीज सर्फेस एरिया क्या फंक्शन है इनका पेपिली इंक्रीज सर्फेस एरिया ऑफ मूकोजा थ्रू विच फैटी एसिड एंड सोडियम आर एबजॉर्ब इसे फैटी एसिड और सोडियम का एब्जॉर्बन होता है सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोमक ऑफ रुमिनेट इज रेटिकुलम रेटिकुलम पोजिशन दिस पायरीफॉम से रेटिकुलम का जो शेप है रेटिकुलम का जो शेप है वो पायरीफॉर्म है दिस पायरीफॉर्म सेक इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर कंपार्टमेंट एंड सिचुएटेड बिटवीन कहाँ है डाइफ्राम और लीवर के बीच में इन फ्रंट डॉर्सल सेक ऑफ रूमन और ओमेजम बिहाइंड यानी आगे की तरफ तो इसके रेटिकुलम uh, के आगे डायफ्राम और लीवर रहेगा और पीछे की तरफ डॉर्सल सेक ऑफ रूमन और ओमेजम रहेंगे बट वेंट्रली इट इज सेपरेटेड फ्रॉम रूमन बाई रूमिनो रेटिकुलर ग्रुप एंड इट इज इन्वॉल्व इन ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस विच में लीड टू रेटिकुलो पेरिकाराइटिस अब इसको समझने की बात है कि देखिए बहुत क्लिनिकल uh, इंपॉर्टेंस है इसकी एनाटोमी की कि अगर हम सपोज करो कि ये डायफ्राम है डायफ्राम के आगे क्या है हार्ट है आगे की तरफ थोड़े से के अंदर हार्ट होता है और बिल्कुल पीछे की तरफ इसकी पोजीशन रहती है रेटिकुलम की तो कई बार क्या होता है कि ये जो बोबाइल हैं ये कुछ खाते वक्त इनके अंदर कोई वायर या कोई नीडल जब आ जाती है खाने के अंदर तो रुमन से डॉर्सल सेक्स से जो नीडल रूमन के प्रेशर की वजह से पहले वो रेटिकुलम को पीएस कर देती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस जिसमें रेटिकुलम पियर्स हो जाता है फर्दर उसके अंदर प्रेशर पड़ने की वजह से वो आगे पियर्स करेगी रेटिकुलम के आगे डायफ्राम है वो डायफ्राम को पियर्स कर देगी अब नेक्स्ट डायफ्राम के आगे क्या है पेरिकार्डियम है द कवरिंग ऑफ हार्ट तो पेरिकार्डियम को भी पियर्स कर देगी और उस पेरिकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाएगा और उसमें फ्लूड एक्टिडेट हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस जिसमें ये एडिमा रहता है ब्रिस्कट रीजन के अंदर और फिर इसमें ऑपरेशन करके रोमिनोटोमी करके उस नेल को रिमूव किया जाता है सो ड्यू टू द इसका इन्वॉर्मेंट जो है इसकी जो पोजिशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें इन्फेक्शन के चांसेस इसलिए रहते हैं तो अगर हम डायग्राम में भी अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो आप क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या रेटिकुलम यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट है तो मैं बताता हूँ आपको कि ये रेटिकुलम का पार्ट है और ये जो पीछे पूरा दिखाई दे रहा है ये रूमन का पार्ट है और ये क्रेनल पिलर कॉडल पिलर और कॉडल पिलर जो है ये डोर्सल ब्लैंड सेक वेंट्रल ब्लैंड से, सेक और ये ऊपर वाला पार्ट डोर्सल सेक और नीचे वेंट्रल सेक इस तरह से इसकी पोजीशन है और डायफ्राम को देखिए ये आगे की तरफ डाइफ्राम है और पीछे आगे यहाँ पे हार्ड है तो काफी इसकी बिल्कुल क्लोज टू द हार्ड इसकी पोजीशन रहती है थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं सो रेटिकुलम हैज टू सरफेस एक होता है डायफ्रामेटिक सरफेस जो कि कॉन्वेक्स होगा और डायफ्राम के रिलेशन में रहेगा और दूसरा होता है विसरल सरफेस जिसका रिलेशन होता है रूमन से अच्छा किस किस से रिलेशन इसके रिलेशन रहता है राइट right साइड की तरफ ये रिलेशन में रहता है लीवर ओमेजम और अबोमेजम से लेफ्ट साइड की तरफ ये रिलेशन में रहेगा कॉस्टल पार्ट ऑफ डायफ्राम से वेंट्रली ये रहेगा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ डायफ्राम और, और जिफाइड कार्टिलेज से और क्रेनली ये डायफ्राम से रिलेटेड है और कार्डोली रूमन से रिलेटेड है ये इसकी एनाटोमिकल इसकी पोजिशन रहेगी इंटीरियर अंदर से कैसा दिखाई देगा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसका आ, एनाटोमिकल इसका एपरियंस है और हम देखते ही मालूम चल जाता है क्योंकि तो इसकी जो एपरियंस है वो हनीकॉम है एग्जाम के अंदर बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटीरियर ऑफ द रेटिकुलम किस तरह से नजर आता है तो इस तो इज द हनीकॉम जैसे डायग्राम में देखिए मधुमक्खी मक्खी का जो छत्ता होता है बिल्कुल वैसा दिखाई देता है इट हैज वेल डेवलप्ड मस्कुलर वॉल मस्कुलर वॉल वेल डेवलप है एंड म्यूकोजा फॉर्म्स परमानेंट क्रस्ट ऑफ अबाउट वन सेंटीमीटर हाईट विच टू फॉर्म हनीकॉम लाइक सेल्स ये हनीकॉम सेल्स की जैसे इसमें नजर आते हैं और इट्स सेल फिर सेल भी आगे और सेकेंडरी क्रस्ट के अंदर डिवाइडेड हो जाते हैं और क्रस्ट एंड सेल्स जो रहते हैं वो स्टेडेड रहते हैं स्मॉल पैफिली से इनके ऊपर छोटे 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 पैपिली और प्रेजेंट होते हैं क्रस्ट के ऊपर तो ये इंटीरियर की बात हो गई नाउ द नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ द स्टोमक ऑफ इज ओमेजम 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 जो होगा आपको राइट साइड में दिखाई देगा और ये

जबकि स्मॉल डोमिनेंट्स के अंदर ये रेटिकुलम से बड़ा रहेगा इट इटस एनगर एनाटोमिकल डिस्क्रिप्शन के लिए टू करवेचर टू सरफेस और एक शॉर्ट नेक भी होती है ग्रेटर कर्वेचर जो होगा वह डॉसौ कॉडोली और राइट right साइड की तरफ रहेगा और डेसर कर्वेचर जो होगा वह अपोजिट डायरेक्शन की तरफ रहता है उसका जो विश्नल सर्फेस हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसमें रिलेटेड टू द रूमन वो रूमन से रिलेशन में रहेगा और इसका जो पर्यटन सर्फेस है वो डायफ्राम के टच में रहेगा और लीवर के भी टच में रहेगा और बिलो द लेटर यानी लीवर के नीचे के स्मॉल एरिया लाइ अगेंस्ट राइट एब्डोमिनल वॉल और एब्डोमिनल वॉल के भी टच में रहता है वेंट्रली इट इज रिलेटेड टू रेटिकुलम एंड एबोमेजम और कॉर्डली ये जेजुनम से टच में रहता है नेक बहुत छोटी होती है वेरी शॉर्ट एंड कनेक्ट्स जो ओमेजम और रेटिकुलम से इसको जोड़ देती है यानी कि ओमेजम uh, जो होता है वो रेटिकुलम और एबोमेजम दोनों से जुड़ा हुआ रहता है ओमेजम ऑफ स्मॉल रोमिनेट इज ओवल एंड स्मोलर दैन द रेटिकुलम ये डिस्कस कर चुके थे कि जो ओमेजम है वो रेटिकुलम से छोटा होता है इट डज नॉट कॉन्टेक्ट विद राइट एबडोम वॉल और ये एबडोम वॉल के कॉन्टेक्ट में नहीं रहता है इंटीरियर इसका काफी अच्छा इंटरेस्टिंग है इट कम्युनिकेट विद रेटिकुलम थ्रू दो तरह के ओपनिंग है एक तो है रेटिकुलो ओमेजल ओपनिंग और एबोमेजम से जुड़ता है ये ओमेजो अबोमेजल ओपनिंग देखिए जब भी इसकी ओपनिंग होगी आगे वाले और पीछे वाले का नाम बोलना है जैसे मैं बोलता हूं रेटिक्यूलो ओमेजल यानी कि रेटिकुलम और ओमेजम के बीच के अंदर मैं बोलता हूं ओमेजो अबोमेजल यानी ओमेजम की ओपनिंग हो रही है अबोमेजम के अंदर तो यह रेटिकुलम से जुड़ा हुआ रहेगा रेटिकुलो ओमेजल ओपनिंग से एबोमेजम से जुड़ा हुआ रहेगा ओमेजो अबोमेजल ओपनिंग से इनरवाल फॉर्म्स डिफरेंट साइज पैरेलल फोर्स टर्म ओमेजल लेमिनी देखिए अब यहां पे लेमिनी है रोमन के अंदर क्या थे रोमन के अंदर पैपिली थे। ओमेजम के अंदर लेमिनी है जैसे किताब के अंदर पन्ने नहीं होते हैं उसी तरह से इसमें लेमिनी पे, पे, पेज के, आ, मिलते हैं दे आर सरफेस कवर्ड विथ हॉर्नी पेपिली उसके जो लेमिनी है उसके सरफेस के ऊपर हॉर्नी पेपिली प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाई इंटरलेमिनार रेसिस और ये अलग अलग इंटरलेमिनार रेसिस सेपरेटेड रहते हैं इनका अरेंजमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है वन फोर थ्री फोर टू फोर थ्री फोर वन इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो लेंथ है वन हाईएस्ट है और फोर लोएस्ट है यानी कि अगर मैं एक पेपली की बात करूँ सॉरी ये लेमिनी की बात करूँ तो पहला वन हाईएस्ट है तो ये वन हो गया उसके बाद फोर तो छोटा है फिर थ्री की बात करेंगे तो फोर से तो बड़ा होगा लेकिन टू से छोटा होगा फिर फोर आ गया यानी फिर छोटा आ गया फिर टू तो वन से इतना फिर फोर छोटा फिर थ्री फिर फोर और फिर वन तो ये जो अरेंजमेंट है इस तरह से इनका अरेंजमेंट रहता है ये देखिए ये डायग्राम में और बताया और ये इसका एक्चुअल डायग्राम है जिसके अंदर ये साइज के अंदर तो आप ये डायग्राम की साइज़ देख के बता सकते हो कि ये वाला तो वन नज़र आ रहा है और ये फोर है ये थ्री है है ना इस तरह से ये अलग अलग आ, लेयर के अंदर रहते हैं के अंदर। तो कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस पिक्चर द ओमेजम आप बता सकते हैं कि इसमें ओमेजम का पार्ट कौन सा है तो ये वाला पार्ट जो है जिसमें ये देखिए लेमिनी नजर आ रही है आ, ये ओमेजम है और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये अबोमेजम है इसमें फोल्ड्स नजर आ रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्ड्स नजर आ रहे हैं तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है इसका उसके बाद ये इसका पाइलोरिक पार्ट है और पाइलोरिक पार्ट आगे कंटिन्यूएशन के अंदर ड्यूडेनम के अंदर है ये इसका पाइलोरिक पार्ट है ये इसका बॉडी वाला पार्ट है ये इसका फंडस पार्ट है और जहाँ पे ओमेजम की ओपनिंग हो रही है वो वाला पार्ट इसका कार्डियक पार्ट है अभी और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे तो अबोमेजम को जो लास्ट पार्ट ऑफ द रोम स्टोमक है वह है अबोमेजम पोजिशन अबोमेजम जिसको हम ट्रू स्टोमक भी कहते हैं मोस्ट डिजिटल कंपार्टमेंट इन फॉर्म ऑफ एन है इट लाइज फ्लोर वैसे तो ये यह फ्लोर के अंदर रहता है लेकिन कई बार क्या होता है कि का डिस्प्लेसमेंट भी होता है फिर condition में केस आते हैं इसकी एक्चुअल पोजिशन तो एबिनल फ्लोर पर रहती है the fundus पायलोरिकार्ट ऑन राइट साइड एंड बॉडी फ्रॉम लेफ्टी पार्ट जो होते हैं है। यानी कि जो फंडस वाला पार्ट है वो लेफ्ट में रहेगा और पायलोरिक वाला जो पार्ट है वो राइट साइड की तरफ रहेगा और अबोमेजम क्लोजली रिलेटेड टू रूबिनल रेसिस जिस तरह से रेटिकुलम जो था वो एट्रीम के क्लोजली रिलेशन में था अबोमेजम जो होता है वो रुबिनल रेसिस के क्लोजली रिलेशन में रहता है अब यह रोमिनल क्या है डिस्कस किया था हमने इट इज द क्रेनियल पार्ट ऑफ द वेंट्रल से रूमिनल एटर क्या है इज द क्रेनियल पार्ट ऑफ द डॉट्सल सेक्ट एनाटोमिकल डिस्क्रिप्सन की बात करें तो आप इसमें आप आरसानी से देख सकते हैं कि एबोमेजम वाला पार्ट जो है वह ये है ये यहां तक का जो पार्ट है वो तो इसका हो जाएगा बॉडी और फंडस वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसका कहलाएगा पाइलोरिक पार्ट और फिर यह ड्यूडेनम के कंटिन्यूशन में हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम जब की क्लास पढ़ेंगे तो डिम ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे अभी हम डिस्कस करते हैं रुमिनन स्टोमक रुमिनन स्टोमक का जो फोर्थ पार्ट है अबोमेजम और उसका एनाटोमिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर अबोमेजम लाइक सिंपल स्टोमक डिवाइडेड फंडस बॉडी एंड पायलरिंग जैसे दूसरे स्टोमक डिवाइडेड रहते हैं उसी तरह ये भी ये तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है और इसके दो कर्वेचर होते हैं एक होता है एक ग्रेटर कर्वेचर जो कि वेंट्रली रहता है और अटैच करता है ग्रेटर ओमेंटम से ये जो नीचे वाला पार्ट है ग्रेटर ओमेंडम से अटैच में रहेगा और लेसर वाला जो है वो रहेगा जो कि लेसर ओमेंडम से और ऊपर वाला से करके रहता है। <coughs> दो सर्फेस है, है और दूसरा visceral है तो तो वाला जो होगा वो तो abdominal floor से रिलेशन में रहेगा और वेंट्रल वाला जो होगा वो रूमन और ओमेजम्स के रिलेशन में रहेगा तो दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अबेजम इंटीरियर कैसा है अबोमेजम का इंटीरियर पार्ट तो देख लिया हमें फोल्ड्स नजर आ रहे हैं इट हैज़ ग्लैंडुलर म्यूकोजा बाकी के तीनों पार्ट जो थे वो नॉन ग्लैंडुलर थे इसलिए उसको स्टोमक कहते थे लेकिन इसको ट्रू स्टोमक कहते हैं इसमें आपको ग्लैंड्स मिलेगी इसलिए ये ग्लैंडुलर म्यूकोजा प्रेजेंट होती है कार्डियक फंडिक और पाइलोरिक रीजन के अंदर कार्डियक रीजन जो होता है वो नैरो है बहुत छोटा होता है जो कि ओमेजो अबोमेजल ओपनिंग की तरफ ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ओपनिंग वहाँ पे आपको नजर आएगा फंडिक रीजन जो होगा वो मोस्ट ऑफ द फंडस एंड बॉडी जो पूरा कवर जो है ये पार्ट ये पूरा बॉडी और फंडस है इट कंटे परमानेंट स्पायरल फोर्स जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं विच अपसेंट एट लेसर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर की तरफ ये अपसेंट रहते हैं और तीसरा पार्ट जो पाइलोरिक रीजन है ये पाइलोरिक पार्ट है जिसमें पाइलोरिक स्प्रिंटर इज नॉट वेल डेवलप एंड प्रजेंट लार्ज टोरस पाइलोरिकस जो कि राउंड प्रोट्यूबरेंस है इनसाइड द लेसर कर्वेचर देखो इस डायग्राम के अंदर लेसर कर्वेचर अंदर की तरफ इस तरह से घूम जाता है ये इस तरह से घूम जाता है तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं टोरस पाइलोरिकस पिक के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है जो क्या करता है कि क्लोजर uh, अपर्चर है और ड्यूडेनम और स्टोमक के बीच का तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीरियर ऑफ द अबोमेजम अब गैस्ट्रिक ग्रुप लास्ट पार्ट इसका जो हम डिस्कस करते हैं ये भी काफी इम्पोर्टेंट इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है इसको डिस्कस करते हैं कि गैस्ट्रिक ग्रूव ऑफ वुमेनन स्टोमक इज वेल डेवलप्ड एंड ऑफ कंसिडरेबल फिजोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी फिजोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है ये एक्सटेंड करता है कार्डिया यानी कि जो ओपनिंग है स्टोमक इस इसो की स्टोमक इस के पे वो पार्ट कहलाता है कार्डिया वहाँ से लेके रेटिकुलम ओमेजम और अबोमेजम से लेके पाइलोरस तक इसकी ओपनिंग रहती है देखिए काफ के अंदर जब मिल्किंग काफ सकलिंग काफ जो होते हैं तो मिल्क सीधा अबोमेजम के अंदर जाता है क्योंकि उस वक्त एबोमेजम बड़ा होता है तो इनको जो बाईपास करने के लिए जो रास्ता बनता है वहाँ पे इस ग्रुप की वजह से रहता है ये गैस्ट्रिक ग्रुप जो होते हैं ये तीन सेगमेंट में डिवाइडेड रहते हैं रेटिकुलर ओमेजल और अबोमेजल ग्रुप नाम से मालूम चल रहा है कि रेटिकुलर वाला रेटिकुलर में होगा ओमेजम ओमेजम में रहेगा और अबोमेजम अबोमेजम के अंदर रहेगा क्या फंक्शन है थ्रू गैस्ट्रिक ग्रू सलुड मिल्क इन सकलिंग एनिमल इज कंडक्टेड थ्रू रेटिकुलर एंड ओमेजल ग्रू डायरेक्टली इन टू द एबोमेजम सकलिंग मिल्क जो है वो डायरेक्टली अबोमेजम के अंदर जाता है उसकी ये व्यवस्था होती है सकलिंग एनिमल्स के अंदर बाद में चूंकि रूमन रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो माइक्रोबियल उसमें माइक्रोब्स होते हैं वह फर, फर्मेंटेशन करते हैं तो, चूंकि जब एनिमल ग्रास फीडिंग पर जब आ जाता है तब उनका फंक्शन शुरू होता है तब तक के लिए ये गैस्ट्रिक ग्रुप एक फिजियोलॉजिकल अरेंजमेंट है सकलिंग एनिमल्स के लिए तो ये जो पार्ट आप दिखाई देंगे रेटिकुलर ग्रुप तो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है ये थोड़ा सा आप शॉर्ट नोट्स एग्जाम में कई बार आ सकता है तो रेटिकुलर ग्रुप एक्सटेंड फ्रॉम कार्डिया टू रेटिकुलो ओमेजल ओपनिंग तक इसकी रहेगी दो मस्कुलर स्पाइल रीज प्रेजेंट होती हैं इसी तरह से ओमेजल ग्रुप जो होगा वो अब इसी के आगे रेटिकुलर ओमेजल से लेके ओमेजो अबोमेजल ओपनिंग तक रहेगी इसमें दो मस्कुलर रिजेज होंगी और जो अबोमेजल ग्रुप जो होगा वो उसके आगे से यानी कि ओमेजो अबोमेजल ओपनिंग से लेके पाइलोरस तक और ये बैंड लाइक एरिया होता है जो कि लेसर कर्मरेचर ऑफ एबोमेजम पेप से लेके पाइलोरस तक फैला हुआ रहता है विच इज़ फ्री फ्रॉम स्पायरल फोल्ड इसमें स्पायरल फोल्ड प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो ये तीन गैस्ट्रिक ग्रुप के पार्ट हैं So, this is all about uh, the anatomy of the stomach of ruminants. Thank you.